साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपका पठान चौक पर एक जनसभा का आयोजन किया गया है, किस तरह का वो आयोजन रहा और किस तरह का समर्थन आपके बीच रहा और क्या क्या बातें थी बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो डासना कस्बा की तमाम आवाम को मेरी तरफ से सलाम, और पठान चौक पर जो सभा हुई है आप उसमें मौजूद हैं, तो माशाल्लाह आपने अपनी आंखों से देखा है कि जितना बड़ा जनसैलाब था वो टोटल का टोटल डासने का था, उसमें कोई बाहरी आदमी नहीं था। हेलो, क्योंकि बाकी कैंडिडेटों की भी आप देख रहे हैं कि उन्हें जनता इकट्ठी करने के लिए कितना मतलब बाहर से जनता लानी पड़ रही है, और हमारी सभा में आपने देखा है कि जनता का जितना प्यार जितना समर्थन मिला है, तो इसमें मैं समझता हूँ मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप पत्रकार बंधु हैं, आपने खुद ही सब कुछ देखा है अपनी आंखों से, तो आप देख लीजिए। बात करेंगे आपसे कि जिस तरह से विकास की बातें लगातार चल रही हैं, और आपने एक बात कही है कि जिस पर आप खड़े हैं वो रास्ता भी हमारे ही चाचा ने बनवाया था, लेकिन इनके कार्यकाल में काम क्यों नहीं हुआ, क्यों लग रहे हैं इन पर इतने आरोप? नहीं, कार्यकाल में बस नहीं है उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है, उन्होंने अपने आप को पेश किया, क्योंकि झूठिस्तान तो वो ही है, पूरा कस्बा जानता है झूठिस्तान रेडियो, तो झूठ बोल के उनका एक बार काम हो गया, पब्लिक को गुमराह कर दिया, तो बहरहाल अब के जनता उनके साथ बिल्कुल नहीं है, आपने देखा है अपनी आंखों से, तो तरह तरह के ड्रामे और नाटक वो कर रहे हैं, ये पूरा कस्बा देख रहा है। तो क्या उन्हें जनता इस बार भी चुनेगी? मेरे हिसाब से तो नहीं चुनेगी। तो आप अपना चुनाव किससे मान रहे हैं? मेरा चुनाव जो मेरी कार्यशैली है, जो मैंने समाज में काम किया है, जो परिवार की तरह मैं रहा हूँ 10 साल, तो उससे तो लगता है कि मेरा चुनाव किसी से नहीं है, एक तरफा है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्रीय जनता के माध्यम से? क्षेत्रीय जनता को मेरा यही मैसेज है कि आने वाली 11 तारीख में जीप के निशान पर मोहर लगाकर मेरी वाइफ पत्नी अहलिया शबाना बेगम को कामयाब बनाएं, और इंशाल्लाह जिस तरह से परिवार की तरह मैं सभी जनता के बीच रहा हूं, तो वो तो मैं रहूंगा ही, लेकिन विकास के भी जितने मामले हैं जितने मुद्दे हैं उसमें भी जनता खुद महसूस करेगी, बदलाव देखेगी।